हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। फाइनली यहां पर आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने कवर किया था आपका रॉ वाटर इंजीनियरिंग, वो आपका ऐप पे जो क्लासेस चल रही है वो आपका फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और उसका जो सेकंड टेस्ट है वो भी आपका अपलोड हो चुका है। अगर मैं बात करता हूँ, आपके टेस्ट जो अपलोड किया गया था वो आपका 13 मई को अपलोड किया गया था। आज हम बात करेंगे उस टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन की, कि टेस्ट कैसा था, उसका एनालिसिस क्या रहा, ये सब आज हम जानेंगे। अगर मैं बात करता हूं आपके सेकंड मॉक टेस्ट की, तो सेकंड मॉक टेस्ट में भी हमने टोटल 19 क्वेश्चंस को ऐड किया था, जिसमें हमारे पास 1 से 8 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे और आपके क्वेश्चन 9 से लेकर क्वेश्चन 19 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन का जो लेवल रखा था हमने वो इजी टू मॉडरेट रखा था। क्लियर है? तो आज जो हम बात करेंगे इसके प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। पहले जो हम कवर करेंगे यहां पर आपके पास वो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चंस क्या है। तो ये रहा पहला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। देखिएगा, मैं आपको ये बार-बार बोल रहा हूं कि ये जो आपके पास टेस्ट है, ये टेस्ट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। वो चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप AJEE की तैयारी कर रहे हो, आपको ये टेस्ट लगाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप किस लेवल की तैयारी यहां पर कर रहे हैं। क्लियर है? तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है हमारे पास कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लेटेस्ट इंडियन स्टैंडर्ड कोड प्रोवाइडेड स्पेसिफिकेशंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आपको बताना है कि नीचे दिए गए 4 कोड में से कौन सा कोड ऐसा है जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हमने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को डिस्कस किया था, तो वहां पे मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि जो भी आपकी वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, जो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, एक फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, उन तीनों ही तरह के पैरामीटर्स की स्टडी करने के लिए आपके पास IS स्पेसिफिकेशन से कोड दिया गया है जो आपके पास गिवन है। क्लियर है? अब ये कोड कौन सा है, इसी के बेस पे आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं IS 1050 2016, नहीं 2016 तो सर अभी आया ही नहीं, IS 1050 2014, नहीं सर। अगर हम बात करते हैं आपके डी ऑप्शंस की, IS 1050 2015, नहीं सर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपके पास क्या होगा सर, सी इसका सही आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास मैंने ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन कुछ इस तरह से मर्ज करके दे दिए कि स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता है कि जो भी आपके ड्रिंकिंग वाटर्स का जो कोड है वो है आपके पास लेटेस्ट IS 1050 2012 है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया सर, आपका सी इसका राइट आंसर हो गया है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रोथ कर्व शो एस शेप। कि आपको यहाँ पे नीचे दिए गए 4 ऑप्शन हैं, जिसमें इसने BOD की बात की है, COD की बात की है, पॉपुलेशन की बात की है और कॉलीफॉर्म की बात की है। बताना है कि इसमें से किसकी शेप आपकी एस शेप को फॉलो करता है। तो हमने सबसे पहले ही डिस्कस किया था आपका फर्स्ट यूनिट में, जहां पे हमने स्टडी किया था आपका पॉपुलेशन एंड फोरकास्टिंग मेथड, कि किसी भी एरिया की अगर आप पॉपुलेशन को इंडिकेट करना चाहते हो तो उसको उसके एस शेप के कर्व की तरह इंडिकेट किया जाता है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बताया था। तो किसका होगा सर आपका आंसर, सी इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं, यहां पे जो ग्राफ बनता है सर, किसके बीच में बनता है, वो पॉपुलेशन वर्सेस टाइम के बीच में बनता है। तो हम बना लेते हैं यहां पर, किस किस के बीच में बोला सर आपने, पॉपुलेशन वर्सेस टाइम। एक्स एक्सिस पे इसका सर क्या होगा सर, टाइम होगा, और आपके वाई एक्सिस पे क्या होगी सर, इसकी पॉपुलेशन होगी। ठीक है, अब जो ये आपका कर्व बनेगा, ये किस तरह का बनेगा सर, आपका एस शेप की तरह बनेगा, यानी कि ऐसे बनेगा, पूछिए ऐसे बनेगा आपके पास। ठीक है, एस शेप की तरह बनेगा। कैसे बनेगा सर, एस शेप की तरह बनेगा। अब यहां पे देखिएगा, जब ये एस शेप की तरह बनेगा तो इनिशियल स्टेज में, यानी कि जब आपका एरिया क्या है सर, ओपन है, उस एरिया में क्या होंगे, लोग जल्दी जल्दी वहां पर आने की कोशिश करेंगे। तो इनिशियल स्टेज में यहाँ पे जो आपका DP/DT रहता है, तो देखिये मैं आपको इनिशियल स्टेज बता देता हूं कि सपोज कीजिएगा ये आपकी इनिशियल स्टेज होगी, ये आपकी सर यहाँ पर मिड स्टेज होगी, और ये सर आपका तीसरा एंड स्टेज होगी। तीसरी कौन सी लगा दी मैंने सर, एंड स्टेज होगी। तो इसको मैं आपके पास फर्स्ट स्टेज बोल देता हूं, ये मेरे पास सेकंड स्टेज है, और ये मेरे पास सर थर्ड स्टेज है। देखिएगा, पहली स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में जब आपका प्लॉट बिल्कुल खाली है, तो उस कंडीशंस में आपका जो DP/DT होगा,
यानी कि dP by dt क्या होगा, directly proportional to P होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो वहां पर आपका population का जो rate होगा वो क्या कर रहा होगा सर, increase कर रहा होगा। तो populations का rate जो होगा वो क्या कर रहा होगा सर, आपका इंक्रीज कर रहा होगा। बट अगर मैं सेकंड स्टेज की बात करता हूं तो सेकंड स्टेज में क्या होगा सर, आपका जो dP by dt होगा वो क्या होगा सर, आपका कांस्टेंट होगा। क्या होगा सर, आपका कांस्टेंट होगा। अब जब कांस्टेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है यहां पे जो पॉपुलेशन का जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, पॉपुलेशन का जो रेट रहेगा वो सर क्या रहेगा सर, वो आपका फिक्स्ड रहेगा। क्लियर है। अब आती है आपकी थर्ड स्टेज की बारी। जब हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो क्या हो रहा है यहां पर सर, वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि जो आपका dP by dt है, dP by dt वो क्या हो रहा है सर, अब आपका थर्ड स्टेज में सर वो आपका डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है सर, आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इसको मैं लिख रहा हूं, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो क्या हो गया सर, आपका डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज का साइन मैं ये ले लेता हूं। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना कि जब भी हम किसी एस शेप कर्व की बात करते हैं, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन की बात करते हैं आपके वो एरिया की, जब आपका एरिया क्या होता है वहां पर खाली होता है, तो उस स्टेज में इनिशियली स्टेज में आपका पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या होता है, तेजली बढ़ता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि स्पेस खाली है तो लोग वहां पे जल्दी जल्दी आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बट जैसे कि मिड स्टेज आती है तो वहां पे पॉपुलेशन आपका फिक्स रह जाता है, और एंड स्टेज आते आते वहां पे क्या हो जाती है, काफी भीड़ हो जाती है। और जब भीड़ हो जाती है तो उस स्टेज में आपका जो पॉपुलेशन का जो दर रहता है वहां पे क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये जो आपका जो पॉपुलेशन का जो ये क्राइटेरिया है, ये आपका एस शेप पर बेस्ड है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि जो पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है यहां पर, क्राइटेरिया है किस पे बेस्ड है सर आपका, ये बेस्ड है सर आपका एस शेप पैटर्न पर। कैसे पे है सर, ये आपका एस शेप्ड पैटर्न पे बेस्ड है। बिल्कुल सर, जब एस शेप पैटर्न पे बेस्ड है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है सर आपको, ये इंडिकेट करता है आपको न्यूली एरिया। इट आप लिख सकते हैं इट रिप्रेजेंटेड दैट ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एरिया। ठीक है, यानी कि ये जो एस शेप का पैटर्न है आपको क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एरिया, कि न्यू एरिया का इंट्रोडक्शन किस तरह से होता है। क्लियर है, तो न्यू एरिया का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, पहले वहां पे पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिर आपकी क्या होगी, फिक्स होगी, और फिर आपकी सर डिक्रीज होगी। क्लियर है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चंस आपका गेट 2024 में आ सकता है भाई। ठीक है, अभी तक नहीं पूछा है, बट हो सकता है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि हार्मन फॉर्मूला इज यूज्ड टू डिटरमाइन, कि जो आपका हार्मन फॉर्मूला है वो क्या डिटरमाइन करता है, क्या सर वेलोसिटी ऑफ फ्लो को डिटरमाइन करता है, डिस्चार्ज को, या हेड ऑफ हेड लॉस को। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर किसकी, आपके हार्मोन्स फॉर्मूले की, तो इट इज बेस्ड ऑन इंपीरिकल फॉर्मूला। किस पे बेस्ड है सर, इट इज बेस्ड ऑन इंपीरिकल फॉर्मूला। ये आपका कैसा फॉर्मूला है सर, इंपीरिकल फॉर्मूला है। अब जब इंपीरिकल फॉर्मूला है तो इसका यूज कहां करते हैं हम सर, इसका यूज हम टू डिटरमाइन द, इसका जो यूज है सर, इसका यूज कहां करते हैं सर हम, टू डिटरमाइन द पीक फैक्टर के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं हम, पीक फैक्टर के लिए करते हैं। और जो पीक फैक्टर है उसको आप पीएफ लिख सकते हैं यहां पे, शॉर्ट फॉर्म है। क्लियर है, और जो आपका पीएफ होता है ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था पीक फैक्टर क्या होता है भाई हमारे पास सर, पीक फैक्टर होता है आपके पास, इट इज द रेशियो ऑफ क्या होता है सर, इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज टू एवरेज डिस्चार्ज होता है। क्यू को मैं डिस्चार्ज से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एवरेज डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अब जब बारी आती है सर आपके ये पीक फैक्टर की, तो ये पीक फैक्टर किस पे डिपेंड करता है सर, पीक फैक्टर डिपेंड करता है आपकी पॉपुलेशंस पे। पीक फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, आपका पॉपुलेशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपने, किस पे डिपेंड करता है सर, ये आपकी पॉपुलेशन पर डिपेंड्स करता है। क्लियर है, अब बारी आती है नेक्स्ट की सर, ये जो आपका
पीक फैक्टर ये किससे कैलकुलेट हो रहा है आपका हार्मन फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है सर, तो देखिएगा यहां पर पी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाए आपके पास 1 + 14 इज 4 √P हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है 1 + 14 / 4 √P है। क्लियर है, ये क्या है इसका आपका पीक फैक्टर है। अगर मैं बात करता हूं पी की यहां पर, ये जो पी है सर ये क्या है हमारे पास, ये पॉपुलेशन इक्विवेलेंट है। क्या है सर आपके पास, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट है। और जो यहाँ पे पॉपुलेशन इक्विवेलेंट होगा वो किसमें होगा सर आपके पास, 1000 में होगा। क्लियर है, किसमें होगा सर आपका, 1000 में होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पॉपुलेशन यहाँ पे 500000 दे दी है, कितनी दे दी है यहाँ पर आपके पास 500000 दे दी है, तो आपको किसमें चाहिए, 1000 में। तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से गया कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पे जो पी आया आपके पास वो क्या आया आपके पास 500। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन किस में चाहिए आपको, 1000 में चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो गया आपके पास वो क्या हो गया सर आपका, पीक फैक्टर, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, तो ये आप ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है आज तक तो नहीं पूछा गया है, आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चंस। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक वाटर सैंपल कंटेन्स 10⁻⁹ मोल्स पर लीटर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। कि अगर हम बात करते हैं किसी एक हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन की, तो कितना दे दिया है आपके पास, 10⁻⁹ मोल्स पर लीटर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन दे दिया है एट 25 °C ऑफ दिस सैंपल इज। तो आपको क्या निकालना है, उसका पीएच फाइंड आउट करना है। क्लियर है, सैंपल का क्या फाइंड आउट करना, द सैंपल इज। ठीक है, दिस सैंपल का पीएच कितना होगा, तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूं दोनों के कि आपके वाटर्स के अंदर जो क्या रहता है पीएच रहता है आपके पास हाइड्रोजन के आयंस के प्रेजेंट की फॉर्म में भी रह सकता है और हाइड्रोक्सिल आयन के प्रेजेंट में भी रह सकता है। तो देखिएगा यहां पे कि जो आपके पास सर पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है वो सर आपके पास क्या होता है, वो आपके पास हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में भी हो सकता है और हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्म में भी हो सकता है। अगर मैं बात करता हूं आपके पीएच ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो यहां से आपका क्या इंडिकेट हो जाएगा, ये आपका पीएच हो जाएगा और यहां से सर आपका यहां से क्या हो जाए लिख सकता हूं मैं पीओएच लिखता हूं। अगर मैं इन दोनों का सम करूं, पहले अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालूं, कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट निकालूं, देखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का अगर मैं प्रोडक्ट निकालता हूं तो कितना होता है सर, 10⁻⁴ होता है। उसी तरह से अगर मैं इनका सम करूं, पीएच हाइड्रोक्सिल आयन का पीएच प्लस हाइड्रोक्सिल आयन ओएच आयन का प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये कितना हो जाएगा सर आपके पास, 14 हो जाएगा। आज क्या दिया गया है आपके पास सर, आज दिया है आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन दे दी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि OH नेगेटिव आपके पास दे दिया है कितना सर, 10⁻⁹। तो प्रोडक्ट क्या है सर आपके पास, तो प्रोडक्ट है सर हाइड्रोक्सिल आयन और आपके पास OH आयन इज इक्वल टू 10⁻⁴ है। तो यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन दे दी आपके पास सर, हाइड्रोक्सिल आयन की दे दी है। तो अब हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁹, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, तो इज इक्वल टू आपके पास 10⁻⁴, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा सर आपके पास, 10⁻⁴ / 10⁻⁹। तो सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁵ क्या हो जाएगा आपके पास कंसंट्रेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अगर आपका कंसंट्रेशन दिया गया होगा, कंसंट्रेशन के जो पावर में होगा वही आपका क्या होगा सर, पीएच होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन के जो के पावर में होगा वो क्या होगा सर, उसका पीएच होगा। तो इसका पीएच आप निकाल सकते हैं, तो यहां पे अगर मैं पीएच की बात करता हूं, या आप डायरेक्ट निकालना चाहो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर आप इसे फॉर्मूला बेस करना चाहते हो तो फॉर्मूला बेस कर सकते हो। तो पीएच क्या होता है आपके पास, पीएच होता है सर नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब देखिएगा, अब यहाँ पर आपके पास माइनस लॉग हो गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन 10⁻⁵ है। क्लियर है, पावर का नीचे आ जाएगा आपके पास तो क्या बन जाएगा आपके, 5 log 10 बन जाएगा, log 10 आपके पास 1 हो जाएगा। तो आपके पास पीएच कितना आ गया सर, यहाँ पर पीएच आ गया सर आपके पास यहाँ पर 5 आ गया है। तो सैंपल का जो पीएच आ रहा है सर वो हमारे पास कितना आ रहा है सर, 5 आ रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आपका
किसी भी चीज का कंसंट्रेशन अगर आपके पास जो पावर में होगा वही उसका क्या होगा, पीएच होगा। तो अगर आप हाइड्रोक्सिल आयन का क्या निकालना बोलता हो, पीएच बोलता, पीओएच बोलता, तो कितना हो जाता, डायरेक्ट 9 हो जाता। क्लियर है? तो अगर ये मेरे पास, तो ये पीएच हो गया। अगर मुझे इसी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चाहिए तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास, ये पावर में चला जाएगा, 10^-5 हो जाएगा। तो इसी तरह से जब आपके पास हाइड्रोक्सिल आयन की जब कंसंट्रेशन दी थी, वो सर 10^-9 दे दी थी, तो ये 9 क्या जाए आपका नीचे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, पीओएच बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर आपका, 9 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये मैंने आपको करवाया है कैसे इसको करना चाहिए, शॉर्ट ट्रिक में भी बताया है। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे आपको इतना कैलकुलेट करने का टाइम नहीं होता कि आप इसको कैलकुलेट करें। क्लियर है? बट अगर जब आप इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा इसको टाइम दीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि द कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर फॉर मेजरिंग आयरन कंसंट्रेशन। इसमें कुछ आपके पास 4 इंडिकेटर्स दिया है, इन 4 इंडिकेटर्स में से आपको बताना है कि कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है आपकी आयरन की कंसंट्रेशंस के लिए। अगर मैं एरियोक्रोम ब्लैक टी की बात करता हूं, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं सर, ईबीटी की बात कर रहा हूं, तो ये किसका इंडिकेटर है सर आपके पास, ईडीटी है सर आपके पास हार्डनेस का, तो आप लिख सकते हैं हार्डनेस का इंडिकेटर है। ठीक है, ये हार्डनेस का हो गया। उसी तरह से अगर मैं बात करता है आपके फिनॉल पैथिलीन की, जो फिनॉल पैथिलीन और आपका मिथाइल ऑरेंज, मैंने आपको बताया था एक फिनॉल पैथिलीन बताया था मैंने आपके पास, और एक मिथाइल ऑरेंज, वो किसका बताया था भाई मैंने आपको, ये भी मैंने आपको बताया था, वो बताया था मैंने आपका, एक मैं इसमें पी ऐड कर देता हूं और एक इसमें मिथाइल ऑरेंज एड कर देता हूं, तो ये किसके बन जाएंगे सर आपके, एल्केनिटी के बन जाएंगे। ठीक है, अब उसी तरह से आपका रहता है ब्लू लिटमस, लिटमस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिएगा उसी तरह से आपका क्लोराइड्स का भी याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट हो देखिए आप, क्लोराइड्स का क्या रहता था सर आपका, क्लोराइड का रहता था ईबीटी, क्लोराइड्स का भी क्या रहता था सर आपके पास, सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोराइड का रहता है पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि आपका KMnO4 रहता है पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोराइड का पूछा जा सकता है। क्लियर है? एरियोक्रोम ब्लैक टी ईबीटी रहता है हार्डनेस का आपके पास, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज रहता है एल्केनिटी का। ठीक है, अब आता है 1-10, ये किसका रहता है आपका सर, ये रहता है आयरन का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया सर बी हो गया है। क्लियर है? क्लियर हो गया है इतना। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि व्हाट आर द टोटल एक्सेप्टेबल लिमिट्स फॉर टर्बिडिटी एंड टोटल डिसॉल्व सॉलिड। आपको बतानी है यहाँ पे एक्सेप्टेबल लिमिट बतानी है किसकी, टीडीएस की बतानी है और टर्बिडिटी की बतानी है। क्लियर है? तो देखिएगा अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर आपके टोटल सॉलिड की, टोटल सॉलिड बोला इसने, हाँ टोटल डिसॉल्व सॉलिड, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स की अगर मैं बात करता हूं, इसकी दो लिमिट हो सकती है, एक सर एक्सेप्टेबल लिमिट हो सकती है और एक सर कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट हो सकती है। एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है सर इसकी, ये होती है सर 500 mg/L होती है। कॉज फॉर रिजेक्शन कितनी होती है सर आपके पास, 2000 mg/L होती है। क्लियर है? टीडीएस की होगी टोटल डिसॉल्व सॉलिड। अब उसी तरह से हम टर्बिडिटी की देखते हैं, किसकी देखते हैं सर, टर्बिडिटी की देखते हैं, ये भी याद कर लेना भाई आपने। ठीक है, अगर मैं टर्बिडिटी की बात करता हूं, एक्सेप्टेबल लिमिट और कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट कितनी होती है सर आपके पास, ये रहती है सर आपके पास 1 NTU। ठीक है, और कॉज फॉर रिजेक्शन कितनी रहती है सर आपके पास, 10 NTU। आज क्या पूछा गया आपसे, आज पूछा गया सर उसने एक्सेप्टेबल लिमिट, तो एक्सेप्टेबल लिमिट बोला उसने, तो आपके पास ये वाली पूछी है और ये वाली पूछी है, तो 1 पहले उसने टर्बिडिटी की पूछी, तो टर्बिडिटी की 1, टीडीएस की आपके पास 500 हो गई है। ठीक है, तो देखिएगा 5 और 100 नहीं सर, 5 और 100 भी होगा, 5 और 200 भी नहीं होगा, 1 NTU 250 भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर आपका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। आपको क्या बताना है, टॉन बताना है। ठीक है, इफ 180 ml ऑफ वाटर, फ्री डिस्टिल्ड वाटर, यहाँ पर आपका फ्री डिस्टिल्ड वाटर दिया गया है। ठीक है, और वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 ml मिक्सचर फ्रॉम 20 ml ऑर्डर, और 20 ml का ऑर्डर है आपके पास और 200 आपका मिक्स्ड है। ठीक है, अगर मैं टॉन की बात करता हूँ, टॉन क्या होता है आपके पास, थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर होता है, जो होता है आपके पास A+B/A होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले कि सर आपका A क्या है, A जो है आपका कितना ऑर्डर है,
ऑर्डर है आपके पास 20 ml, ठीक है, जो आपका अनडिस्टर्ब वाटर है। अनडिस्टर्ब मतलब जिस वाटर से आपको बदबू मिल रही है। उसी तरह से अगर मैं ए प्लस बी की बात करता हूं तो ए प्लस बी दोनों का मिक्स कितना दे दिया है सर आपके पास 200 ml दे दिया है, क्लियर है। और उसी तरह से उसने क्या बोला है, आपका डिस्टर्ब वाटर भी है, डिस्टर्ब वाटर तो आपके पास दे दिया सर बी दे दिया है, आपके पास कितना है 180 दे दिया है सैंपल ऑफ डिस्टर्ब वाटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको तो यहाँ पे टॉन निकालना है। तो टॉन क्या होता है सर आपका ए प्लस बी, ए प्लस बी आपके पास 200 है, 200 है डिवाइडेड बाय ए, ए कितना है सर आपके पास 20 है। तो यहाँ से जब इसको कैंसल आउट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे टॉन होता है इसकी जो आपके पास लिमिट्स होती है वो ध्यान रखना, वो 1, 2, 3 के बीच में होती है। अगर वैल्यू आपकी 1 है तो ये एक्सेप्टेबल है, 1 और 3 के बीच में एक्सेप्टेबल वैल्यू है ये। बट अगर आपकी वैल्यू क्या रह जाती है 3 से एक्सीड कर जाती है, 1 और 3 के बीच में रहेगी तो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। बट ये वैल्यू अगर 3 से ज्यादा एक्सीड कर जाएगी तो ये कॉज फॉर रिजेक्शन है। तो क्या है सर आपके पास, कॉज फॉर रिजेक्शन है, क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से जब हम बात करते हैं आपके यहाँ पे टॉन, ये क्या है आपके ऑर्डर्स, ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर आपके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ऑर्डर को जो डिटरमाइन करते हैं हम, उस डिवाइस का नाम पूछा जा आपसे तो क्या रहता है सर आपका, वो रहता है सर आपका दैट इज ऑस्मोस्कोप। ऑर्डर्स के लिए हम कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं सर, ऑस्मोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम कलर की बात करते हैं सर, तो कलर्स के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है वो कौन सा रहता है सर आपका, वो टिंटोमीटर रहता है, क्या रहता है सर टिंटोमीटर रहता है, ठीक है। अब जो ये ऑस्मोस्कोप जो आपकी वैल्यूज देता है वो किसमें देता है सर, आपकी पीओओ में देता है, किसमें देता है पीओ में देता है। जिसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है सर, जिसकी रेंज होती है यहाँ पर 0 to 5 होती है, 0 to 5 रहती है, क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ये तो बेसिक पॉइंट्स है जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो गया आपके पास वो क्या हो गया सर, ए इसका राइट आंसर हो गया है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट इन विलेज फॉर ट्रीटिंग वाटर, कि जो भी आपके गांव में जो पानी होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था आपको लाल दवा यूज की जाती है। गांव में जो रहते हैं मोस्टली आपके पास क्या रहते थे, पहले कुएं होते थे, अब है आपके पास मोस्टली क्या हो रहा है वहां पर आपकी पाइप से वाटर सप्लाई हो रहा है, क्लियर है। तो उस समय हम क्या करते थे वहां पर, हम वहां पर लाल दवा डालते थे जिसको आप क्या बोल सकते थे, पोटेशियम परमैंगनेट बोल सकते थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो गया है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जितने भी आपके पास 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन थे, उतने टफ नहीं थे, ठीक है। बट अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो तभी आप इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस के में क्या बोलता है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन वाटर सप्लाई व्हिच ऑफ दीज करेक्ट, आपके पास कुछ स्टेटमेंट दी गई है ए बी सी और आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, ठीक है। यानी कि ये एमएसक्यू बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। बोल रहा है कि ड्रेन वेल्स आर प्रोवाइडेड एट एलिवेटेड, एलिवेटेड का मतलब होता है मतलब आपके हायर पॉइंट्स टू रिमूव एक्यूमुलेट दी एयर। देखिएगा सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो आपका ड्रेन वेल होता है उसकी पोजीशंस कहाँ पे होती है, ठीक है। तो देखिएगा, तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूं कि जो आपके पास सर ड्रेन वेल होता है ये क्या होता है सर आपके पास, इट इज द टाइप ऑफ वेल। ये भी क्या है सर आपके पास, इट इज टाइप ऑफ वेल है, पहले तो ये क्लियर हो जाता है। अब उसके बाद रहता है सर कि इसका जो यूज है वो क्या है, यूज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो यूज है ये क्या करता है, ड्रेन आउट करता है आपके एक्सेस वाटर को एंड डिपॉजिट करता है आपके सिल्ट एंड ग्रिट पार्टिकल्स को, ठीक है। टू रिमूव क्या करता है, टू रिमूव या टू ड्रेन आउट भी बोल सकते हैं, टू ड्रेन आउट द एक्सेस वाटर एंड सिल्टी अदर पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद आता है कि जो ड्रेन वेल की जो लोकेशंस होती है कहां पे होती है सर आपके पास, ड्रेन वेल इट इज लोकेटेड एट द लोअर पॉइंट्स, कहां पे प्रोवाइड किया जाता है, ये लोअर पॉइंट पे प्रोवाइड किया जाता है, इट इज
provided, it is provided at lowest point. Lowest point पे क्या किया जाता है? Provided किया जाता है. क्लियर है? तो ये तीन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना, कि जो ड्रेन वेल है सर, ड्रेन वेल एक टाइप ऑफ वेल है जिसका यूज हम करते हैं टू रिमूव और टू ड्रेन आउट द एक्सेस वाटर एंड सिल्टी एंड अदर डिपॉजिट पार्टिकल्स. सिल्टी एंड लिख दो यहां पे, अदर डिपॉजिट पार्टिकल्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? आपका देखिएगा, हाइयर पॉइंट पे तो नहीं हो गया, तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया है. ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, कि जो आपका रिफ्लेक्स वेल होता है, अलाउ इनफ्लो इन व्हाट डायरेक्शन? बिल्कुल सही, जो आपका रिफ्लेक्स वेल होता है वो क्या करता है आपको, एक ही डायरेक्शन में होता है. बिल्कुल सही. उसके बाद आता है सर सी, की जो ड्रेन वेल होता है प्रोवाइडेड एट लो पॉइंट. बिल्कुल, ये लो पॉइंट पे प्रोवाइड किया जाता है टू रिमूव सिल्टी एंड अदर डिपॉजिट पार्टिकल्स. यस सर, तो बी और सी क्या हो गए सर यहाँ पर आपके पास सही हो गए हैं. क्लियर है? तो यहाँ पे इस तरह से आंसर बन गया आपका सही. नेक्स्ट बात करते हैं. नेक्स्ट आता है आपके पास मैचिंग द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू कोड गिवन बिलो. तो आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है. क्या बताना है सर? करेक्ट ऑप्शन बताने हैं. ठीक है, कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. तो देखिएगा यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं आपके किसकी, कैच बेसन की, पहले हम बात कर लेते हैं कैच बेसन. जो आपके पास कैच बेसन होता है ये क्या होता है आपके पास, ये मिनिमाइज करता है आपके सीवर की क्लॉगिंग को. तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये क्या करता है, मिनिमाइज करता है सर आपके सीवर की क्लॉगिंग को मिनिमाइज करता है. ठीक है, और क्या करता है सर, ये मिनिमाइज करता है. तो ये क्या करता है आपके जितने भी इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं उनको क्या करता है, ये मिनिमाइज. तो यहां पर ए का हो गया सर टू, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं अभी ए का टू. ठीक है, अब आता है स्कीमिंग टैंक. तो स्कीमिंग टैंक में क्या होता है आपके पास, कि जितने भी आपके पास जो फ्लोटिंग मैटर्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, जैसे आपका ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया. ठीक है, आपके पास ये स्कीमिंग टैंक है. इट इज यूज्ड To remove floating matter. ये floating matters को क्या करता है? Remove करता है. जैसे आपके पास सर oil हो गया आपके पास सर. ठीक है, oil हो गया आपके पास, उसी तरह से fat हो गया आपके पास, उसी तरह से grease हो गया आपके पास, etc. ठीक है, तो यहां पर स्कीमिंग टैंक का क्या हो गया सर, बी का वन हो गया. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सर ये हो गया बी का वन हो गया. क्लियर है? उसके बाद आता है आपके पास साइफन स्पिलवे. अगर मैं साइफन स्पिलवे की बात करता हूं तो इट इज अ टाइप ऑफ स्पिलवे. ये क्या है सर, इट इज टाइप ऑफ क्या है सर, ये आपका स्पिलवे है. ठीक है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, इसका यूज करते हैं टू सरप्लस लिख दो आप, या आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एक्सेस फ्लो डिस्पोज्ड टू डाउनस्ट्रीम. ये क्या करता है कि जब भी आपके, जैसे डैम साइट्स पे देखा होगा कि जब भी आपका क्या होता है एक्सेस में आपका फ्लो हो रहा होता है, तो उस कंडीशंस में हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वहां पे साइफन स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, साइफन स्पिलवे क्या करता है, जो भी आपका एक्सेस वाटर होता है उसको क्या करता है, उसके डाउन स्ट्रीम में फ्लो करवाता है. तो यहां पर आ गया आपके पास सर ये, तो यानी कि सी का क्या आ गया सर आपके पास, सी का आ गया सर आपके पास फोर आ गया है. क्लियर है? अब आता है कॉम्युनिटस. अगर मैं कॉम्युनिटस बात करता हूं तो कॉम्युनिटस का यूज हम क्यों करते हैं, कि जितने भी आपके जो बड़े पार्टिकल्स की साइज होते हैं उनको क्या करता है, ये छोटा करता है. ये आपके स्क्रीनिंग के पहले होता है. ठीक है, स्क्रीन कभी कभी क्या होता है कि जो भी आपके पास फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं बहुत बड़े साइज के होते हैं. ये इतने बड़े साइज के होते हैं कि जो क्या करते हैं कि जो भी आपके स्क्रीन होते हैं, स्क्रीन के जो वायर्स होते हैं उन वायर्स को क्या कर देते हैं सर, आपके बंद कर देते हैं. जब उन वायर्स को पूरी तरह से बंद कर देते हैं तो उससे जो आपका वाटर है वो क्या नहीं हो पाता है, पास नहीं हो पाता. तो हमें कभी कभी स्क्रीनिंग से पहले हमें वहां पे कॉम्युनिटर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं. कॉम्युनिटर्स का काम क्या है, कि जितने भी आपके पास जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को क्या करता है, वो ब्रेक करता है, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो देखिएगा यहां कॉम्युनिटर क्या करता है, साइज रिडक्शन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड. यस सर, तो यहां पर डी का क्या आ गया सर आपके पास, डी का आ गया सर यहां पर 3 आ गया है.
क्लियर है। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शंस करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे बनेगा वो बनेगा सर ए का तो 3 हो गया सर, बी का आपके पास 1 हो गया, बी का 1 हो गया सर, और सी का आपके पास क्या हो गया सर 4 हो गया, और डी का क्या हो गया सर आपके पास 3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया है करेक्ट ऑप्शन हो गया था। क्लियर है, मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे, जानबूझ के नहीं दिए थे, क्योंकि क्वेश्चंस को आपको खुद लगाना था। क्लियर है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पर सही है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि मोस्ट द कोलाइडर पार्टिकल्स इन वाटर्स आर नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल कि जो आपके पानी में जो कोलाइडर पार्टिकल्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जिससे क्या करते हो आपके आपस में रिपेल करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, एक और लाइन भी ऐड कर सकते थे यहाँ पर, सो टेंड टू रिप्लेस, क्यों होते हैं सर ये सही है स्टेटमेंट, इसीलिए होता है कि सो टेंड टू रिपेल, ताकि वो क्या कर सके रिपेल टू ईच अदर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आंसर पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी देखते हैं कि द सरफेस चार्ज ऑन कोलाइडर पार्टिकल्स इज द मेजर कंट्रीब्यूट टू देयर लॉन्गर स्टेबिलिटी। यस सर, एक तो क्या करते हो टेंड टू रिप्ले ईच अदर करते हैं, और एक क्या करते हैं पानी के अंदर लॉन्गर टाइम तक स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। ठीक है, एंड लॉन्गर टाइम एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इज मेंटेन। ठीक है, स्टेबिलिटी को क्या रखते हो मेंटेन करते रखते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है कि जो भी आपके पास कोलाइडर पार्टिकल्स होते हैं उनमें मोस्टली क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है, जिससे क्या करते हो आपस में सर रिपेल करने की कोशिश करते हैं। ये जो इनका फंक्शंस रहता है वो आपके वाटर्स के अंदर क्या रहता है सर, आपका लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को मेंटेन बनाने के लिए रहता है। क्लियर है, तो यहाँ पे जो आपका दोनों ही ऑप्शंस क्या है सर, आपका ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, यानी कि सी इसका क्या हो जाएगा सर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस बोल रहा है कि इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज इंक्रीज 2 to 3, कि आपके पास क्या दे दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो कितनी बोल दी गई है अब आपके पास 2 से 3 इंक्रीज कर दी। कि पहले केस में मान लेते हैं आपकी कितनी रही होगी सर 2 रही होगी, और दूसरे केस में 3 रही होगी। तो आपको देखना है कि जब आपकी क्या रहेगी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2 रही होगी तो उस कंडीशन में आपका VS1 क्या होगा, और जब 3 रही होगी आपका VS2 कितना रहा होगा, और तब आपने देखना है कि कितना आपका सेटलिंग वेलोसिटी में चेंज आया। ठीक है, ये चीज उसने पूछी है। क्लियर है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किसका, अपनी सेटलिंग वेलोसिटी का। तो सेटलिंग वेलोसिटी फॉर द डिस्क्रीट पार्टिकल्स क्या होता है आपके पास, ये होता है जी आपके पास S-1 आपके पास D² / 18 काइनेमेटिक विस्कोसिटी, कुछ यही होता है। यस सर, यही होता है। अब हम जब केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट जब आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि एस कितना हो सर 2 हो, तो मैं लिख देता हूं केस फर्स्ट क्या सर, कि जब हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी सर 2 हो, तो 2 हो तो उस कंडीशन में VS1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपके पास G S की जगह 2-1 × D² / 18 काइनेमेटिक विस्कोसिटी, कुछ यही रहा आपके पास। यस सर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां से कितना आएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा सर GD² / 18 काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाएगा। अब केस हम 2 ले लेते हैं, केस 2 में क्या बोला है कि जब उसको 2 से बढ़ाकर कितना कर दिया है सर 3 कर दिया है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो उस कंडीशन में जो मेरा VS2 रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, वो रहेगा जी एस कितना है सर 3-1 D² / आपके पास 18 काइनेमेटिक विस्कोसिटी, कुछ इसी तरह से है भाई। यस सर, इसी तरह से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा, ट्वाइस आ जाएगा आपके पास, ट्वाइस GD² / 18 काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्लियर है, तो देखिएगा जी क्या है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस क्या है आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, और डी क्या है आपके पास साइज ऑफ द पार्टिकल्स है। हमेशा याद रखना जो आपके पास सेटलिंग वेलोसिटी होती है वो आपके पार्टिकल्स के साइज के क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो यहां पर आपके पास कितना चेंज आया, देखिएगा VS1 और VS2, तो देखिएगा आपके पास यहां पर जब ये GD से ये GD कैंसिल, DD से ये GD स्क्वायर कैंसिल, और 18 काइनेमेटिक विस्कोसिटी से ये कैंसिल, तो यहां पे जो आपका जो VS2 आया वो आपका क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ V1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी आपके पास यहां पर सेटिंग वेलोसिटी सर डबल हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि जो VST2 है वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, वो ट्वाइस हो जाएगा आपका
VS1 से तो डबल ही हो गया भाई, यस सर हो गया डबल, तो आपका आंसर क्या हो गया सर यहां पर, सी इसका राइट आंसर हो गया है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें कम्युनिटी वेस्ट कम्युनिटी वाटर सप्लाई देन फिकल कॉलीफॉर्म डेंसिटी शुड नॉट बी मोर देन। अब जो ये फिकल कॉलीफॉर्म होते हैं इसमें आपके पास बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, जैसे आपका ग्राम बैक्टीरिया हो गया, जो आपका कैसे था सर, रोड शेप का था, आपका बेसिला शेप का था, आपका स्पाइरला शेप का था, उन सभी हमने क्या किए थे बैक्टीरिया की स्टडी की थी, तो वहां पे हम ये जो मिलते हैं किसकी फॉर्म में मिलते हैं, आपको ये फिकल कॉलीफॉर्म की फॉर्म में मिलते हैं। अगर हम इन बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये आपके पास डिफरेंट ग्रेड के होते हैं, क्या होते हैं सर आपके पास डिफरेंट ग्रेड के होते हैं, वो आपके पास ए ग्रेड का हो सकता है, वो आपके पास बी ग्रेड का हो सकता है, सी ग्रेड का हो सकता है, और लास्ट में आपके पास डी ग्रेड का हो सकता है। ये तो हमने ग्रेड की कैटेगरी कर दी, अब हमने इसका सेकंड जो देखना है कि जो इसका फिकल कॉलीफॉर्म है उस वो हमें किस में काउंट करते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टेबल कि जो सर इसका फिकल कॉलीफॉर्म है, फिकल कॉलीफॉर्म जो हम इसका काउंट करते हैं कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये काउंट किया जाता है पर 100 ml काउंट किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं उसके थर्ड कॉलम की, तो थर्ड कॉलम में आएगा वहां पर रिस्क, कि वो रिस्की है, हाई रिस्की है, लो रिस्की है या मॉडरेट है, क्लियर है। अगर आपका ए ग्रेड का है तो उस कंडीशंस में हमारा जो फीकल कॉलीफॉर्म काउंट होगा वो आपका 0 per 100 ml काउंट होगा, क्या होगा सर, वो 0 per 100 काउंट होगा। तो उस समय जो आपका रिस्क रहेगा वो कैसा रहेगा सर आपका, वो लो रिस्क रहेगा, क्लियर है, कैसा रहेगा सर, लो रिस्क रहेगा। बट जब हम बी ग्रेड की बात करते हैं तो बी ग्रेड में जो आपका फिकल कॉलीफॉर्म काउंट होगा वो आपके पास 1 और 0 के बीच में होगा, 1 और 0 के बीच में बोले तो 1 to 0 per 100 ml काउंट होगा, क्लियर है। यहाँ पे जो आपका रिस्क रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी वो भी क्या रहेगी सर, लो रहेगी, क्लियर है। उसी तरह से अगर मैं सी ग्रेड की बात करता हूं तो सी ग्रेड में ये आपका जो फिकल कॉलीफॉर्म काउंट रहता है ये कितना रहता है सर आपके पास, ये रहता है हमारे पास कहां से, आपके पास 11 से 100 के बीच में, कितना रहता है 11 से 100 के बीच में रहता है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या रहता है, मॉडरेट रहता है, आप इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, मॉडरेट रिस्क रहता है। बट जब हम बात करते हैं किसकी, आपके डी ग्रेड की, तो डी ग्रेड में क्या रहता है सर, ये 101 से लेकर आपका 1000 per 100 ml रहता है, और इस कंडीशन में क्या होता है आपका सर, हाईली पॉल्यूटेड हो जाता है, और जब आपका हाईली पॉल्यूटेड हो जाता है आपका वाटर तो उस कंडीशन में वो क्या रहेगा आपके लिए, काफी क्या रहेगा, रिस्की रहेगा, यानी कि हाई रिस्की रहेगा। तो हम लिख सकते हैं सर यहाँ पर हाई रिस्की रहेगा, यानी कि ये कहाँ, ये पॉल्यूशन क्या होता है यहाँ पर, हाईली पॉल्यूशन होता है। वाटर इज, आप लिख सकते हैं इस कंडीशन में जो वाटर रहता है, वाटर इज मोर पॉल्यूटेड, मोर पॉल्यूटेड होता है, क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको हमेशा वो 0 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर 4 per ml भी नहीं, 2.5 भी नहीं, 6 भी नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया सर यहाँ पर, डी इसका राइट आंसर हो गया है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द रिमेनिंग ऑफ पैथोजेंस After 1 minute of contact time during the chlorination। देखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने कहा आपको एक ग्राफ बताया था, अगर आपको ग्राफ समझ में आया होगा, मैंने वैसे तो ऐप में जो क्लासेस ली थी आपकी वहां पे भी हमने रिवीजन करवाई थी, तो रिवीजन में मैंने ये चीजें आपको बहुत अच्छे से बताई थी, ठीक है, कि यहाँ पर आपका कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्सेस टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है कुछ ऐसे बनता है, ऐसे ग्राफ बनता था कि जैसे ही आप उसको इनिशियल स्टेज में वहां पे, या आपका एंड टी टाइम है आपके पास, ठीक है, ये आपका एंड टाइम है, ठीक है, ये हमारा सर टाइम है, कि जैसे ही आप क्या करते हैं इनिशियल स्टेज में, जैसे ही आप क्लोरीन ऐड करते हैं तो वहां पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपके डिस्ट्रॉयड होते हैं, बट धीरे 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 जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉयड होते रहते हैं वैसे वैसे आपका जो क्लोरीन का जो स्टेज रहता है वो क्या रहता है सर, कम होता जाता है, क्लियर है, कुछ इस तरह से। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे किसकी, कि जो आपके पास टाइम दिया है, टाइम कितना दिया है सर हमारे पास, 1 मिनट का टाइम दिया है, तो 1 मिनट बोले तो आपके पास कितना हो गया सर, ये 60 सेकंड की वो बात कर रहा है, ठीक है, 60 सेकंड की बात कर रहा है। कॉन्टेक्ट टाइम ड्यूरिंग द क्लोरीनेशन, के की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे दी है 0.04446 per minute दे दी है, कुछ यही दे दी है। तो हम इसका एक लॉ लगा सकते हैं बाय यूजिंग द चिक्सन एंड वॉटसन लॉ। तो मैं इसको किससे कर रहा हूं, बाय यूजिंग द चिक्स लॉ। तो देखिएगा यहां पर बाय यूजिंग द, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चिक्स लॉ,
ठीक है, चेक्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम इसको करें तो देखिएगा, तो चिक्स लॉ के जब कॉरस्पॉन्डिंग हम करेंगे तो आप सभी को पता है कि nt is equal to n नॉट e की पावर माइनस k t। अब यहां पर आपके पास n नॉट है, e की पावर माइनस k 0.446 टाइम है आपके पास 1 मिनट, क्लियर है, ये आपने पुट कर दिया यहां पर। तो यहां पे जो आपका आंसर आया होगा, तो दैट इज nt इज इक्वल टू बेस e की पावर 0.446 इनटू 1 कितना है आपके पास, ये आया होगा 0.955 समथिंग आया होगा, ठीक है, इतना आया होगा आपके पास, यस सर इतना आया होगा। तो दैट इज n नॉट। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ रिमूवल निकालना है, परसेंटेज ऑफ रिमूवल। तो परसेंटेज ऑफ रिमूवल कैसे निकलेगा आपके पास, तो ये निकलेगा आपके पास दैट इज nt ओवर n, क्लियर है, कुछ इसी तरह से हम निकालेंगे। तो ये किसके ऊपर हो जाएगा आपके पास, दैट इज 0.955 × 100। तो ये कितना आ गया आपके पास सर, ये आ जाएगा सर मेरे पास 95.5%, यानी कि कितने परसेंट वहां पर आपका होगा सर, 95.5% आपका 1 मिनट के अंदर ही वहां पे क्या हो जाएंगे आपके पैथोजेंस रिमेनिंग रह जाएंगे, ठीक है, यानी कि इतने आपके डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। डिस्ट्रॉयड कितने, 100 में से आप माइनस कीजिएगा तो इतने आपके डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी इतने आपके रिमूव हो गए, इतने रिमूव हो गए तो आपके डिस्ट्रॉयड कितने, सॉरी बचे कितने होंगे, 100 में से माइनस कर दो तो उतने आपके बच जाएंगे, क्लियर है। तो ये क्या है हमारा, बाय यूजिंग द हमने चिक्स लॉ लगाया, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रिमूवल निकाला आपने, तो आपका आंसर आ गया आपके पास दिस 95.5, क्लियर है, तो यहाँ पे भी इसका राइट आंसर। अब हम बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। आपके पास यहाँ पे 4 डिसइंफेक्टेंट दिए गए हैं जिनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहले कौन कौन से बात की सर, उसने ओजोन की बात की है, HOCl की बात की है, मोनोक्लोरामीन्स, यानी कि मोस्टली इसने किसकी बात की है, आपके क्लोरामीन्स की बात की है। तो देखिएगा क्लोरामीन्स की फॉर्म में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको ध्यान है कि जब आपका क्लोरीन जब आपका अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कब रिएक्ट करेगा, जब आपका जो पीएच होगा सर वो क्या होगा, मोर देन 7.5 होगा। जब मोर देन 7.5 होगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा सर, आपका मोनाक्लोरामीन्स, क्या होगा, मोनाक्लोरामीन्स, मोनाक्लोरामीन NH2Cl प्लस HCl फॉर्म होगा। अब ये NH2 जो मोनाक्लोरामीन्स होंगे ये क्या होगा, थोड़ा सा आपका फिर डिस्ट्रॉयड होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपके पास NH2 सिर्फ फिर दोबारा से क्लोरिन के साथ रिएक्ट करेगा भाई, ठीक है, मैंने वैसे बताया ये आपके पास क्लोरीन के साथ जब आपका NH2Cl करेगा तो इस समय जो आपका पीएच मेंटेन रहेगा वो पीएच मेंटेन रहेगा 5 से लेकर 6.5 के बीच में रहेगा। कितना पीएच रहेगा सर, 5 to 6 होगा। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा सर, आपका डाइक्लोरामीन्स NH2Cl प्लस HCl, ठीक है, NHCl2 प्लस HCl फॉर्म होगा, ठीक है। अब जो आपके पास NHCl2 है, अब फिर से ये आपके क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो दैट इज Cl2NHCl2। तो ये क्या कब होगा फॉर्म, ये तभी फॉर्म होगा आपके पास जब पीएच क्या होगा आपका लेस देन 4.4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा आपके पास, ट्राइक्लोरामीन NCl3, ठीक है, ये फॉर्म होगा प्लस आपका HOCl होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां से एक को आपको की पॉइंट्स बताऊं कि जो आपका NCl3 है ये क्या आपके पास लेस पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या आपके पास सर लेस पावरफुल है, तो NCl क्या है सर आपका लेस पावरफुल है, ठीक है। और अगर मैं ओजोन की बात करता हूं, देखिएगा ओजोन की बात कर लेते हैं, अगर हम ओजोन की बात कर लेते हैं तो ये क्या है सर आपका सबसे ज्यादा पावरफुल है सर, मोर पावरफुल है, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे सबसे ज्यादा पावरफुल कौन सा है आपका सर, आपका ओजोन है सबसे पावरफुल, और सबसे लेस पावरफुल कौन सा है सर आपका HCl3, HCl से ज्यादा पावरफुल मोनोक्लोरामीन्स है, मोनोक्लोरामीन से ज्यादा पावरफुल HOCl है, और HOCl से ज्यादा पावरफुल आपका ओजोन है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर, आपका यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो गया है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्योंकि उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा आपको लिस्ट वन दिया है टाइप ऑफ वेल और लिस्ट टू दिया है उनका आपके पास पर्पस दिया है, क्लियर है क्या पर्पस है, क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पर आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ वेल दिया है, गेट वेल दिया है, पायलट वेल दिया है, रिलीज वेल दिया है आपका और चेक वेल दिया है, क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूं आपके चेक वेल की, तो चेक वेल क्या करता है, लिमिटिंग द फ्लो ऑफ वाटर इन वन डायरेक्शन, यानी कि एन का फोर। तो एन का फोर आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस ए में है और एन का फोर और कहीं दिखाई दे रहा है, एन टू नहीं है और ये भी नहीं, मुझे ए को ही चेक करने पे मिल गया है। तो अगर मैं बात करता हूँ रिमूव द एयर फ्रॉम द पाइप, तो पाइप से एयर कौन रिमूव करता है आपका, रिलीज वेल। तो यह हो गया आपके पास रिलीज वेल क्या काम करता है, रिमूव द एयर्स, क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसकी, आपके एन की, एन तो हो गया आपके पास, सॉरी उसके बाद हम बात कर लेते हैं दो हो गए आपके पास, तीन और चार हो गए, आप पायलट वेल की बात कर लेते हैं। अब जो आपके पास पायलट वेल होता है वो क्या करता है आपका, रिड्यूस करता है हाई इनलेट प्रेशर टू लो इनलेट प्रेशर। तो ये हो गया आपके पास क्यू का टू हो गया है, ठीक है। बचा कौन सा आपके पास, बचा सर पी। अब पी क्या है आपके पास, पी का वन हो जाएगा, यानी कि गेट वेल किसके लिए यूज करते हैं, स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर इन द पाइप। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर सर, ये इसका राइट आंसर हो गया है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा सिंपल क्वेश्चन है, द हार्डी क्रॉस मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ पाइप नेटवर्क्स रिक्वायर्ड, कि कौन कौन सा वर्क रिक्वायर्ड होता है जब आप हार्डी क्रॉस मेथड का यूज करते हैं। वहां पे मैंने कुछ एजम्पशंस बताई थी आपको जब हमने इसका लेक्चर डिलीवर किए थे, तो क्या क्या एजम्पशंस थी। पहली एजम्पशन थी कि फ्लो इंटू एनी जंक्शन इक्वल टू द फ्लो इंटू आउटपुट जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है आपके पास, सही है। अगर बात करता हूं सेकंड की, कि फ्लो इन ईच पाइप हैज हेड लॉस अकरिंग टू रिस्पेक्टिव ऑफ फ्लो इक्वेशन, ये भी बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करता हूं सी की, सी क्या बोलता है कि मोमेंटम प्रिंसिपल इज अलाउड इन ईच लूप, नहीं ऐसा नहीं है कि जो आपका मोमेंटम प्रिंसिपल होता है उसको आप हर एक लूप पर नहीं लगा सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट बोल रहा है एल्जेब्रिक सम ऑफ द हेड लॉस अराउंड एनी क्लोज लूप इज जीरो, ये भी सही है। तो यानी कि ए बी डी, ए बी डी बोले तो इसको वन बोलता हूँ, इसको टू बोल देता हूँ, इसको थ्री बोल देता हूँ, इसको फोर बोल देता हूँ, तो वन टू फोर आपके पास, 1 2 4 कहां पे आपको सी ऑप्शंस में है, क्लियर है। तो इसका हो गया आपके पास सर सी हो गया है। तो आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एक रैपिड सेंट फिल्टर है कंप्राइज एन एरिया ऑफ 50 मीटर स्क्वायर, क्या दे दिया है सर उसका आपके पास, एक फिल्टर का एरिया दे दिया है, वो एरिया कितना दे दिया है सर आपके पास, 50 मीटर स्क्वायर दे दिया गया है, जिसका जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है तो ROF दे दिया है उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो कितना दे दिया है सर आपके पास, 200 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट दे दिया गया है, क्लियर है। उसके बाद उसने क्या दे दिया है, उसका बैकवॉशिंग भी दे दिया है, बैकवॉशिंग में BW लिखता हूं, कितना दे दिया सर आपके पास, 650 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट दे दिया गया है, क्लियर है। जिसका टाइम जो दिया है यहाँ पर डिटेंशन टाइम TD जो दिया है वो आपके पास 30 मिनट दे दिया है, कितना दे दिया 30 मिनट बोले तो आपका हाफ टाइम दे दिया है, एक घंटे का हाफ टाइम बोले तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो आपको पता है एक डे, अगर डे में होता तो आपका 24 हार्स होते हैं, 24 हार्स में से मैं अगर हाफ एंड हार माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कितने बचते हैं यहाँ पर, 23.5 एंड हार बचते हैं, बिल्कुल यही बचते हैं सर, क्लियर है। तो देखिएगा तो हमें क्या निकालना है इसका, सबसे पहले हमें निकालना है सर वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज फॉर बैकवॉशिंग, कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका यूज हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना सर, वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका यूज हुआ फॉर बैक वॉशिंग में, वो देखिएगा कितना हुआ होगा, ठीक है। आप इसको सिंपल कर सकते हैं, तो बैक वॉशिंग में हुआ होगा तो आपको बैक वॉशिंग का दिया है 650 लीटर पर मिनट, तो आप कर दोगे सर यूनिट साथ साथ लिखे 650 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर मिनट मल्टीप्लाई बाय, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एरिया से, तो एरिया कितना है सर आपके पास 50 मीटर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय डिटेंशन टाइम, डिटेंशन टाइम कितना है सर आपके पास 30 मिनट है, तो आप 30 मिनट लिख दीजिएगा, सॉल्व करके देखिएगा कितना आता है आपके पास। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं हम, तो जो इसका कैंसल आउट हो रहा है, जो कट रहा है उसको काट लीजिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे मिनट है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर, ये लीटर में आ जाएगा आपके पास। तो कितना आया सर 650 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आ गया आपके पास 975, तो यहां से आ गया सर 975000 ये लीटर्स में आ गया। इसको किसमें कन्वर्ट करो सर, इसको सर आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया आपने, तो ये कितना आ गया सर आपके पास 97
मीटर क्यूब इतना आ रहा है आपके पास, ठीक है। इतना क्या है, ये तो निकाला हमने वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड फॉर बैक वॉशिंग में। अब निकालना हमने कि कितना वॉल्यूम आपका फिल्टर हुआ होगा, वॉल्यूम ऑफ फिल्टर्ड वाटर। तो नेक्स्ट निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ फिल्टर्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ फिल्टर्ड वाटर। तो जो वॉल्यूम ऑफ फिल्टर्ड वाटर रहा होगा वो कितना रहा होगा आपके पास, देखिएगा। अब देखिए उसके लिए आपके पास यहाँ पे बैक वॉशिंग सॉरी डेट ऑफ फिल्ट्रेशन दिया है, यस सर दिया है। तो कितना दिया है सर, 200 लीटर्स पर मीटर स्क्वायर पर मिनट दिया है, ठीक है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एरिया से। तो एरिया है आपके पास 50 मीटर स्क्वायर, तो मैं 50 मीटर स्क्वायर देता हूँ। अब यहाँ पे डिटेंशन टाइम कितना है, अब डिटेंशन टाइम कितना है आपका 23.5, तो ये हो जाएगा 23.5 हो जाएगा। तो अब जरा सॉल्व कीजिएगा, किसमें आ जाएगा आपके पास, ये भी आपके पास मिनट में आ गया है, 23 hours minutes, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से ये कैंसिल हो गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया आपके पास, मीटर से मीटर ये भी लीटर्स में आएगा। तो कितना आ रहा है, 200 मल्टीप्लाई बाय 50 इनटू 23.5 हार है ना भैया, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हार है, 23.5 हार आया है, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखिए खासकर, हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 23.5, ठीक है। तो ये हार में आया होगा आपके पास 23.5 हार, इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप मल्टीप्लाई बाय 60 कर दीजिएगा। तो जब आपने 60 किया तो ये कितना आया आपके पास, अब देखिएगा यहाँ पे ये मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, ये आपका किस में आ जाएगा सर, ये आया कुछ आपके पास दैट इज डिवाइडेड बाय, आप इसको 1000 भी कीजिएगा तो आपके पास आया सर ये That is 14.1 into 10 raised की पावर 3 मीटर क्यूब आ गया है, क्लियर है। देखिएगा यहाँ पर आपका ये था, ये आपका मीटर स्क्वायर में था, यहाँ पे ये कितना आ रहा था सर, हार में आ रहा था, 23.5 हार्स में आ रहा था। हार्स को किस में कन्वर्ट किया आपने सर, मिनट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपके पास इतना आ गया है, यानी कि कितना है सर, 14.1 इंटू आपके पास 1000, तो आपके पास यही आया होगा बिल्कुल सही। अब आपके पास दोनों आ गया, तो आप क्या निकाल दो, आप परसेंटेज ऑफ फिल्टर वाटर निकाल दो। तो देखिएगा परसेंटेज ऑफ फिल्टर वाटर, तो परसेंटेज ऑफ फिल्टर वाटर कितना आया आपके पास बैक ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग, कितना आया था सर, 975 था। तो 975 डिवाइडेड बाय आपके पास 14.1 इंटू 100 इंटू सॉरी 10 डेज की पावर 3 इंटू 10 डेज की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो निकालिएगा, तो ये हो जाएगा 975 डिवाइडेड बाय 14.1 into 10 raised की पावर 3, ये किया आपने, into 100 कर दीजिएगा, तो कितना आया आपके पास, 6.19% आया, यानी कि आपके पास कितना परसेंट ऑफ फिल्टर वाटर आया सर, 6.19, तो वही पूछा था ना, फिल्टर वाटर इज रिक्वायर्ड 6.19, ठीक है, यानी कि टोटल फिल्टर वाटर में से कितना परसेंट चाहिए आपको सर, 6.19% चाहिए। कुछ नहीं किया आपने, आपने सिर्फ ये ध्यान रखना कि उसकी जो यहाँ पे डिटेंशन टाइम दिया था बैक वॉशिंग का 30 मिनट दिया था, ठीक है। तो 30 मिनट एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से आपने हाफ एन आवर माइनस कर दिया, तो रिमाइनिंग कितना बच गया आपके पास, 23.5 पर बच गया, क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास 6.19% हो गया है, क्लियर है। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि हाउ मच ब्लीचिंग पाउडर इज रिक्वायर्ड, कि आपको बताना है कि कितना ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड होगा हैविंग 20% ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, जहां पर जो आपका अवेलेबल क्लोरीन जो है, अवेलेबल क्लोरीन वो कितना है सर आपके पास, वो सर 20% है, क्लियर है। इज नीडेड दैट डिसइंफेक्टिंग 10,000 लीटर, अगर मैं कैपेसिटी देखता हूं यानी कि डिस्चार्ज देखता हूं, तो आपके पास कितनी है सर, वो 10,000 लीटर है, यानी कि 10,000 लीटर की कैपेसिटी वाले वाटर्स को आपको क्या करना है, क्लोरीन करना है। जहां पे जो क्लोरीन डिमांड है, सीएल डिमांड, क्लोरीन डिमांड कितनी है आपके पास सर, क्लोरीन डिमांड है आपके पास 1.0 मिलीग्राम पर लीटर है। इट शुड बी इंश्योर आफ्टर द 1 hour contact time, और एक बार 1 minute के बाद वो कितनी बच जाती है आपके पास, 0.2 milligrams बच जाती है, यानी कि जो residual demand, जिसको हम मैं residual demand बोल सकता हूँ, residual demand कितनी है आपके पास यहाँ पर सर, ये है 0.2 milligrams per liter, ये कब की है, 1 minute के बाद की demand है, clear है। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप सर, तो यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं chlorine demand निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो chlorine demand क्या होता है आपके पास,
अवेलेबल क्लोरीन, देखिएगा यहाँ पे जो आपके पास ये क्लोरीन डिमांड है ये कौन सी क्लोरीन डिमांड है, ये अवेलेबल क्लोरीन डिमांड है, तो ये आप लिख सकते हैं अवेलेबल क्लोरीन डिमांड। तो यहाँ पे जो आपके पास क्लोरीन डिमांड हो जाएगा, टोटल क्लोरीन डिमांड जो हो जाएगा, क्लोरीन डिमांड क्या होता है आपके पास, अवेलेबल क्लोरीन, कितनी अवेलेबल क्लोरीन है वहां पर, ठीक है, प्लस उसके बाद रेजिड्यूअल क्लोरीन, रेजिड्यूअल क्लोरीन, ठीक है। तो यहां पर अप्लाइड क्लोरीन कितना था सर आपके पास, 1.0 था प्लस 0.2, तो यहां पे क्लोरीन डिमांड कितना हो गया सर, 1.2 मिलीग्राम पर लीटर हो गया है, कितना हो गया सर, 1.2 मिलीग्राम्स पर लीटर हो गया, इतना आ गया है, यानी कि क्लोरीन डोज आया, दिस इज द क्लोरीन डोज, Cl डोज आपके पास आ गया है। अब इतने क्लोरीन डोज के लिए आपको कितना ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड है सर, 20% का ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड है। तो आपके पास यहाँ पे बीपी आ जाएगा, तो बीपी क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा कितना क्लोरीन डोज है, यानी कि Cl डोज, क्लोरीन डोज बाय आपके पास क्या हो जाएगा, क्लोरीन डोज बाय आपका कितना परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन है, कितना परसेंटेज अवेलेबल क्लोरीन है, ठीक है, तो इसको आप कर दीजिएगा। तो क्लोरीन डोज कितना है सर आपके पास, यहाँ पे 1.2 है और आपके पास ये कितना है, 20% है, 20% को मैं 20/100 लिख सकता हूं, यस सर लिख सकता हूं, तो ये कितना आ गया जरा कीजिएगा जरा इसको, 1.2 × 100 / 20, तो कितना है आपके पास सर यहाँ पर, 6 मिलीग्राम, तो 6 मिलीग्राम पर लीटर आपको ब्लीचिंग पाउडर रिक्वायर्ड है, क्लियर है। अब यहाँ पे आपके पास टोटल ब्लीचिंग पाउडर कितना रिक्वायर्ड होगा, ये तो आपके पास ब्लीचिंग पाउडर आया तब जब इतना क्लोरीन डोज है, बट आपके पास कितना लीटर्स का डिसइंफेक्टेंट है सर, 10,000 की लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है, तो 10,000 के लिए कितना होगा, तो टोटल ब्लीचिंग पाउडर निकाल दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन था भैया, टोटल ब्लीचिंग पाउडर क्या आपके पास 10,000 आपके पास लीटर वाटर था, ठीक है, उसको आप 1/10 रेज की पावर 6 कर लो, कितना ब्लीचिंग पाउडर था सर आपका 6 मिलीग्राम, ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, 4, तो यहाँ पे कितना बचा आपके पास, 2, तो 6/100 कीजिएगा, तो 6/100 कीजिएगा आपके पास कितना आया सर, 0.06 केजी आ गया आपके पास, क्लियर है। तो अगर मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ग्राम में कितना आ जाएगा सर, ये आपके पास आपका 60 ग्राम के आसपास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 ग्राम के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है कहीं आपका 60 ग्राम, देखिएगा यहाँ पे 30 ग्राम था, यहाँ पे 48 ग्राम था, यहाँ पे 40 ग्राम था, 68 ग्राम आ रहा है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा आपके पास क्या होगा, डी, यानी कि 68 इज अप्रोक्स, आप 60 ग्राम के आसपास ले सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरह का जो आपका ये मॉक टेस्ट 2 था काफी इजी टू मॉडरेट था, अगर आपने इनको बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे, अगर हेल्प करेंगे तो आपके कंसेप्ट यहाँ पे रिवाइज होंगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्लियर है। हम आपके नेक्स्ट वीक लेके आएंगे आपका थर्ड मॉक टेस्ट, तो उसके लिए आप रेडी रहिए, जिसमें हम कवर करेंगे आपका ट्रीटमेंट यूनिट तक, जो भी आपका वेस्ट वाटर रहेगा उसके वहां तक के क्वेश्चंस आपके टेस्ट में पूछे जाएंगे, क्लियर है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि अगर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप उन क्वेश्चंस का सही से आंसर दे पाओ। मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक में इसी दिन संडे के दिन, जहां पे हम अपने थर्ड मॉक टेस्ट को तैयार करेंगे, क्लियर है।